देश भर में दशहरे की धूम देखी गई। हर शहर मोहल्ला और गली में दशहरे को लेकर शोर शराबा हो रहा था। मेला लगाया गया और हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। हालांकि कल बारिश ने कई शहरों में रावण के पुतलों की हालत भी खराब कर दी, तो एक शहर में जलते पुतले के नीचे कई लोग दब गए और बड़ा हादसा हो गया। जी हां, यमुनानगर में दशहरे के मौके पर मैदान में बड़ा हादसा हो गया। काफी सारे लोगों की भीड़ थी और उस भीड़ पर जलता पुतला गिर गया, कई लोग दब गए। रात करीब 10 बजे जैसे इस हादसे की खबर लोगों को पता चली, हर कोई घबरा गया और इन सबसे ज्यादा पवनदीप राजन के फैंस भी घबरा गए, क्योंकि इसी भीड़ में दशहरे को मनाने पवनदीप राजन भी गए थे। जी हां, पवनदीप के साथ गुवाहाटी में दशहरे के वक्त क्या हुआ उसकी पूरी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि हमारा न्यू ब्लॉग आ चुका है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो गुवाहाटी से जो वीडियो सामने आई है उसमें हर किसी की नजर पवनदीप पर है। पवनदीप राजन दशहरे का त्योहार मनाने गुवाहाटी गए थे, यहाँ उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। एक बड़े से खुले मैदान में हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, रावण का पुतला लगा हुआ और उनसे कुछ दूरी पर ही पवनदीप का मंच भी सजा था, जिस पर खड़े होकर पवनदीप अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। जनता पवनदीप की आवाज सुनने के लिए इकट्ठा हुई थी, जनता पवनदीप की परफॉर्मेंस का लुफ्त उठा रही थी। पूरी रात बैठकर लोगों ने पवनदीप की आवाज को लाइव सुना और इनके लिए खूब तालियां बजाई, तारीफ की। पवनदीप ने एक से एक बेहतरीन गाने गाकर माहौल रंगीन बना दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे यमुनानगर के हादसे की खबर सामने आई वैसे ही लोग पवनदीप को उस भीड़ से निकलने के लिए बोलने लगे, क्योंकि पवनदीप का मंच भी पुतले से कुछ ही दूरी पर था, उनके लिए भीड़ भी इकट्ठा हुई थी। मंच के आसपास खचाखच लोगों की भीड़ थी, ऐसे में लोगों को हादसे का डर सता रहा था। और जैसे ही ये सब हुआ लोग बोलने लगे कि पवनदीप को अब जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। खैर, गुवाहाटी में पवनदीप ने मंच की रौनक बढ़ा दी और दशहरे का त्योहार भी धूमधाम से सेलिब्रेट किया। तो फैंस, जैसे ही इंडियन आइडल 12 फिनाले की तरफ पहुंच रहा था, वैसे ही इस शो को लेकर दिलचस्प किस्से सामने आ रहे थे और इस दिलचस्प किस्से में जुड़े थे पवन और अनीता। जी हां, यही वजह है कि इंडियन आइडल 12 के डायरेक्टर ने सभी कंटेस्टेंट को उनके शहर भेज दिया था, लेकिन पवन और अनीता को इस शो में एंटरटेनमेंट के लिए रोक रखा था। आपको याद हो कि शो को जीतने के लिए इन दोनों ने अपने दर्शकों से वोट देने की अपील की थी। अनीता कांचीलाल, जिन्होंने इंडियन आइडल में अपने गानों से सबका दिल जीता, वो भी अपने शहर पहुंची थी। अनीता पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। ये सिंगर जैसे ही अपने शहर पहुंची, उन्हें देखने के लिए लाखों दर्शकों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। अनीता का स्वागत पश्चिम बंगाल में बहुत ही धूमधाम से हुआ था। वो जैसे ही अपने शहर पहुंची, फैंस ने उनका प्यार और सम्मान के साथ स्वागत किया, आरती की थाल सजाई और हाथों में फूल लेकर उन पर वर्षा की थी। जी हां, अनीता पर फूलों की वर्षा के साथ उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और कार में सबको हाय करती हुई नजर आ रही थी, सबसे मिलती हुई नजर आ रही थी। अनीता कांचीलाल वाकई उस दिन अपने आप में प्राउड फील कर रही थी और उनसे ज्यादा उनके माता पिता खुश थे। अनीता इंडियन आइडल 12 की सबसे लोकप्रिय कंटेस्टेंट रही, ऐसे में इस सिंगर को देखने के लिए और उनकी आवाज सुनने के लिए दर्शकों की भीड़ इकट्ठा होना तो लाजमी थी। जब अनीता कांचीलाल अपने गांव पहुंची तो उनकी एक झलक पाने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ उठी थी। उनको देखने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए वहां पर पुलिस को बुलाया गया था। जी हां, काफी सारी पुलिस आने के बाद अनीता कांचीलाल को उनके घर तक पहुंचाया गया था। अनीता कांचीलाल शो की एक ऐसी कंटेस्टेंट हैं जिन्हें सिर्फ सोशल मीडिया पर ही दर्शक प्यार नहीं देते हैं, बल्कि शो के जजेस से भी उन्हें काफी प्यार मिला। शो में जितने भी कलाकार थे वो सब की सिंगिंग मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। जावेद अख्तर को जहां अनीता की आवाज ने पुरानी सिंगर की याद दिला दी, तो वहीं शो में जज बनकर आए सोनू कक्कर अनीता की आवाज से इतनी ज्यादा खुश हुई थी कि उन्होंने माता की चुनरी उन्हें भेंट की थी। इसे पाकर अनीता काफी खुश हुई थी और न जाने कई बार अनीता की मंच पर आरती की गई थी। एक्ट्रेस रीना राय तक अनीता कांचीलाल की नजर उतार चुकी हैं, उनकी आरती कर चुकी हैं सिंगिंग रियलिटी शो ने। वैसे तो अनीता को लेकर सवाई भट्ट और षणमुख प्रिया जैसे कई कंटेस्टेंट सिंगर्स को अलग पहचान दी थी, लेकिन दर्शकों के दिलों को जो सबसे ज्यादा भाई थी वो थी अनीता कांचीलाल और पवनदीप राजन की जोड़ी। ये दोनों इस साल के सबसे ज्यादा फेमस कंटेस्टेंट सिंगर है। सोशल
मीडिया पर इन दोनों की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो गई थी। ये जो भी गाना गाते हैं उन्हें यूट्यूब पर लोग लाखों बार देख चुके हैं, लेकिन इनकी तारीफ करते फैंस थकते नहीं हैं। सोशल मीडिया पर फैंस का प्यार और जुजुस से हमेशा तारीफ पाने वाली अरुणिता ने शो के साथ हर किसी के दिल में खास जगह बनाई है। अब देखना होगा पवन अरुणिता कब नए अंदाज में सबके सामने आएंगे और कब इंडियन आइडल 13 यानी नए सीजन में धमाका देने वाले, कब इनकी एंट्री होगी, क्योंकि अब इस शो में पवन अरुणिता की एंट्री का खास इंतजार किया जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या पवन अरुणिता की जल्द ही एंट्री होनी चाहिए? तो फैंस अरुणिता कांचीलाल बंगाल गई थी। बंगाल से अरुणिता की कई सारी वीडियो वायरल हो रही हैं और नोटिस एक ही बात की जा रही है, हर वीडियो के कैप्शन में एक प्यारी सी लाइन देखी जा रही है। जी हाँ, अरुणिता को बंगाल की शेरनी कहकर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बंगाल में अरुणिता गई थी और वहाँ दुर्गा पूजन में शामिल भी हुई। अब अरुणिता कोलकाता की है तो उन्हें वहाँ की शेरनी तो जरूर कहा जाएगा। जिस तरह से उन्होंने अपने माता पिता और कोलकाता का नाम रोशन किया वो तो आप सभी ने देखा। कोलकाता बंगाल दुर्गा पूजा के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। ऐसे में जब अरुणिता पास के पंडाल में जाती हैं तो काफी सारे लोग उन्हें घेर लेते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। अरुणिता ने यहाँ भी माता का आशीर्वाद लिया, माता की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाए, गाना भी गाया। हर किसी की नजर अरुणिता पर थी। अरुणिता से मिलने के लिए काफी सारे लोग इकट्ठा हुए थे, उनकी एक झलक देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। अरुणिता ऐसा फील कर रही थी कि वो आज कोई सेलिब्रिटी है। वैसे तो अब अरुणिता सेलिब्रिटी ही बन गई है। अरुणिता कैमरे के सामने पोज देती नजर आ रही है, आसपास से उनकी मैनेजर उन्हें पकड़े हुए हैं और अरुणिता को पकड़कर भीड़ से बाहर ले जाती हैं। अरुणिता अपने फैंस का प्यार देखकर बहुत खुश हुई और अब बस उनकी डांडिया नाइट वाले वीडियो का इंतजार किया जा रहा है। अरुणिता पवन की डांडिया नाइट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये पूरा वीडियो कब दिखने वाला है, बस इंतजार किया जा रहा है। तो आप पवन अरुणिता के डांडिया नाइट वीडियो को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फैंस, कल अरुणिता कांचीलाल किसी शो को अटेंड करने गई थी। ये शो कहाँ था इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन शो की वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि पवन अरुणिता के साथ नहीं दिखे। इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में अरुणिता अकेले ही शो करने पहुंची थी। ऐसे में लोग पवनदीप के बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर पवनदीप कहाँ है, अकेले अरुणिता को बुलाया गया, क्या वजह रही होगी। खैर, इस बारे में भी अभी पता नहीं चला है। ऐसे में लोगों ने पवनदीप को तो मिस किया ही, लेकिन बिना पवन के अरुणिता की हालत कैसी थी वो जानकर आपको भी हैरानी होगी। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि अरुणिता कार से उस जगह पर नहीं पहुंच पाती है जहां शो होने वाला था। उससे पहले ही वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और अरुणिता को कार से निकलना मुश्किल हो गया था। उनके गेट पर लोग खड़े हो गए थे और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उन्हें घेरने लगे थे, आगे बढ़ने लगे थे, उन्हें पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया था। अरुणिता को जब इस भीड़ से निकलना मुश्किल हो गया तो सिक्योरिटी को बुलाया गया और अरुणिता को मंच तक पहुंचाया गया। अब अरुणिता मंच तक तो जैसे तैसे पहुंच गई थी, लेकिन वहां भी काफी भीड़ देखकर अरुणिता नर्वस हो गई। उनके चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा रही है क्योंकि उनके पास पवनदीप नहीं थे, चारों तरफ लोग खड़े थे और वो घबराहट की वजह से नजरें तक नहीं उठा पा रही थी। लेकिन जैसे तैसे अरुणिता ने कई गाने गाकर वो शो कम्प्लीट किया। अरुणिता बहुत असहज महसूस कर रही थी। तो आप उनका ये वीडियो देखकर क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।